स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 20F करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच P इक्वल टू दिया गया 3 एंड अल्फा इक्वल टू दिया गया 45 डिग्री दिया गया। दोस्तों देखिए, इसमें हम लोगों को P जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन का फ्रॉम ओरिजिन से, और अल्फा क्या दिया गया है, अल्फा है एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये है, सपोज दैट हम लोगों को एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस है, और ये लाइन मान लीजिए सपोज दैट ऐसे ये पास कर रहा है। ओके, तो इस लाइन का हम लोगों का इक्वेशन फाइंड कीजिए। ओके, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है लाइन पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। पी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया गया 3 दिया गया है, और ये देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस साथ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। यानी कि इस इक्वेशन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना लाइन का इक्वेशन को। ओके, देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। जब हम लोगों को पी का वैल्यू दिया रहेगा और अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा कहेगा लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे एक्स कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू पी। ओके, जिसमें हम लोग गिवन दिया गया p का वैल्यू 3 है और अल्फा का वैल्यू कितना 45 डिग्री है। देखिए ये हो जाएगा x cos अल्फा की जगह 45 डिग्री प्लस ये y साइन अल्फा है, अल्फा की जगह 45 डिग्री इक्वल टू p, p का वैल्यू कितना 3। अब आगे देखिए x इंटू cos 45, दोस्तों हम जानते हैं cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। हम जानते हैं कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसको, x इंटू ये हो जाएगा 1/√2 प्लस ये y इंटू हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू 3। अब आगे देखिए ये हो जाएगा x अपॉन में √2 प्लस ये y अपॉन में √2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा √2 हो जाएगा एलसीएम, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे कितना 3 है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3√2। ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए, 3√2 को लेफ्ट में ले आइए, एक्स प्लस वाई माइनस 3√2 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3√2 इक्वल टू 0। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब कभी हम लोग को p का वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया रहेगा, और अल्फा, अल्फा मतलब हो गया कि एंगल, पॉजिटिव एक्सिस के साथ यदि एंगल दिया रहेगा, हम लोग को इक्वेशन कैसे निकालने के, तो हम लोग फॉर्म याद रखेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग दिया गया, p का वैल्यू 5 दिया गया है और अल्फा का वैल्यू 135 डिग्री दिया गया। इसको हम सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो एक्स कॉस अल्फा, अल्फा का जब कितना वैल्यू पुट करना, 135 डिग्री प्लस ये वाई साइन, ये हो जाएगा अल्फा का जब 135 डिग्री इक्वल टू पी, पी का वैल्यू कितना है 5। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉस 135 का वैल्यू है यहाँ पे और साइन का भी 135 वैल्यू, अब वैल्यू नहीं पता था कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आप लोगों को कुछ बातें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग कैसे इसको निकालेंगे वैल्यू, देखिए यहाँ पे चार क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है ये 90 यानी कि पाई बाई टू, 180 यानी कि पाई,
और ये 270 इंटू 270 का मतलब 3π/2, और यहाँ फिर इसको घूम के आएंगे तो हो जाएगा 360 हो जाएगा। हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे हम लोग आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद में क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाद में निगेटिव होता है। और कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाद में क्या होता है, निगेटिव होता है। देखिए यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से यदि आते हैं तो क्या होता है, नो चेंज होगा। यदि वर्टिकल लाइन से हम लोग इंटर करेंगे तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा। अब देखिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों को निकालना है यहाँ पे कितना डिग्री का, 135 डिग्री का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे 135, तो 135 का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे ये 90 है और यहाँ पे क्या 180 है, तो 90 और 180 के बीच में ही 135 आएगा। यहाँ समझिए कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, हम लोग वैल्यू निकालना है 135 का, तो 135 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, सबसे पहले ये बात ध्यान देना है। तो 135 जो है देखिए 90 यहाँ पे है और 180 यहाँ पे है, तो 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, क्योंकि 90 और 180 के बीच में ही क्या होता है, 135 डिग्री होता है। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटर करने का दो ऑप्शन है हम लोग के पास में, एक हम लोग ऐसे आ सकते हैं मतलब वर्टिकल लाइन के थ्रू आ सकते हैं, और एक आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आने के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो मान लीजिए हम लोग जिस हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे तो 180 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तो 135 होगा। तो देखिए 180 में से हम लोग कुछ माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि x cos ये हो जाएगा 180 माइनस 180 में से हम लोग 45 को जो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा बताइए, 180 में से देखिए 180 में से हम लोग 45 को जो माइनस करते हैं, 180 में से 45, 10 में से 5 गया तो हो जाएगा 5, ये 7 से 4 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। देखिए 180 में से 45 को जो हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें से यदि हम माइनस करेंगे, देखिए तो cos 180 माइनस थीटा, देखिए 180 में से हम माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, माइनस cos थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा y, इसको साइन ये 180 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x इंटू, यहाँ देख cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस ये थीटा है, तो cos जैसे देखिए 180 में से माइनस यदि करेंगे इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos क्या होता है बताइए, cos होता है नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस cos 45 डिग्री, हो जाएगा माइनस cos 45 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा y इंटू देखिए साइन 180 माइनस थीटा। देखिए 180 में से जैसे हम माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का जब कितना 45 डिग्री, 180 माइनस ये थीटा है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे माइनस साइन को यहाँ पर ले लीजिए, माइनस ये x इंटू cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, प्लस ये y इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ओके। अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में रूट अंडर टू, प्लस ये हो जाएगा वाई अपॉन में रूट अंडर टू इक्वल टू 5। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इससे आगे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये रूट अंडर टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे रूट टू डिनोमिनेटर सेम है, ये माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√2, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ समझिए एक बात और समझिए यहाँ पे, देखिए जो हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, यहाँ पे देखिए x का टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x का टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, ओके, x का टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 5√2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए x का टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, इसको हम क्या उधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5√2 तो एजिटिव रहेगा, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, प्लस वाई इधर आएगा तो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए, तो x ये माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस
फाइव रूट अंडर टू इक्वल टू जीरो। तो ये दोस्तों रिक्वायर्ड लेंथ का इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। क्या इक्वेशन आया, एक्स माइनस वाई प्लस फाइव रूट अंडर टू इक्वल टू जीरो। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसमें एंगल को फाइंड कर सकते हैं। जिसका एंगल हम लोगों को नहीं पता था उसको हम लोग कैसे क्वाड्रेंट के थ्रू हम लोग एंगल फाइंड किए हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया, पी का वैल्यू 8 है और अल्फा का वैल्यू 150 डिग्री दिया गया है। लिखिए यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एक्स इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है 150 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा यानी कि 150 डिग्री इक्वल टू पी, पी का वैल्यू कितना 8 है। अब देखिए x कैसे रहा, देखिए cos 150 डिग्री का वैल्यू हम लोग नहीं पता है, तो देखिए 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो 150 देखिए 90 और 180 के बीच में ही लाई करेगा। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में आने का दो रास्ता है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन के थ्रू भी आ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू भी आ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आने के लिए, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos 150 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 30 डिग्री प्लस वाई साइन, ये हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि वो 180 में 30 यदि माइनस करेंगे कितना 150 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए ये हो जाएगा x इंटू देखिए cos 180 माइनस थीटा। तो देखिए सेकेंड क्वार्टर में जैसे कुछ माइनस करेंगे, देखिए 180 में से कुछ हम माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वार्टर में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए 180 में से 30 माइनस कर रहा है कर रहे हैं, तो 180 में से 180 में से 30 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वार्टर में बिलोंग करेंगे, सेकेंड क्वार्टर में क्या होता है कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। यहाँ पर लिख लीजिए माइनस कॉस थीटा, थीटा का जगह कितना 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा वाई, देखिए साइन 180 माइनस थीटा। तो देखिए 180 में 30 जब माइनस करेंगे तो सेकंड क्वार्टर में आएंगे, और सेकंड क्वार्टर में क्या होता है साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा वाई साइन थीटा, थीटा का जगह कितना 30 डिग्री, यानी कि साइन 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, इक्वल टू कितना हो जाए 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे आगे देखिए, देखिए इस माइनस साइन को हम क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, देखिए कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट अंडर 3/2 प्लस वाई इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू 8 हो गया। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3x अपॉन में, इसको ऐसे लिखिए माइनस माइनस रूट 3x अपॉन में ये हो गया 2 प्लस ये हो जाएगा वाई अपॉन में 2 इक्वल टू कितना 8 हो गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को देखिए माइनस रूट अंडर 3x प्लस वाई इक्वल टू 16। देखिए इसमें ध्यान रखना है कि x का वैल्यू क्या रहना है पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो इस दोनों टर्म को क्या उधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x क्या है नेगेटिव है, राइट साइड में उसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस रूट 3x आएगा तो प्लस रूट 3x हो जाएगा, और ये प्लस वाई इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लीजिए, x वाले को पढ़ लिखिए रूट 3x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, क्या आंसर आया रूट 3x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट दिया गया, पी का वैल्यू 3 है और अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 225 डिग्री हम लोगों को दिया गया है। देखिए तो लिखेंगे कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। कोई कोई बुक में यहाँ पे x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू पी भी लिखा है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं, यहाँ पे अल्फा और ओमेगा क्या एंगल है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x cos अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 225 डिग्री प्लस ये y sin अल्फा यानी 225 डिग्री इक्वल टू पी, पी का वैल्यू कितना 3 है। अब दोस्त देखिए हम लोग को 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे देखिए 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है,
अब बताइए 225 डिग्री जो है, देखिए 225 जो है तो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, सो देखिए, देखिए 225 जो देखिए ये 180 और 270 के बीच में ही आएगा 225, देखिए 180 और 270 के बीच में 225 आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाइक कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का दो रास्ता है यहाँ पे, एक तो इसके थ्रू आ सकते हैं और एक इसके थ्रू आ सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन में क्या होता है, चेंज होता है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए 180 है, तो 180 से 225 क्या होता है, ज्यादा होता है, 180 डिग्री से 225 डिग्री ज्यादा होता है। तो 180 में हम लोग क्या कितना ऐड करेंगे कि 225 डिग्री हो जाएगा, तो 180 में 45 डिग्री ऐड करेंगे कितना है, 225 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे एक्स कॉस, लिखेंगे इसको 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस ये हो जाएगा वाई साइन 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स, देखिए कॉस 180 प्लस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा, 180 में जैसे हम लोग ऐड करेंगे कुछ तो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस देखिए y साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, 180 में जैसे हम ऐड करेंगे तो थर्ड क्वार्ट में आ जाएंगे, थर्ड क्वार्ट में क्या होता है साइन क्या होता है, साइन में क्या होता है निगेटिव ही होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री और यहाँ पे क्या रहेगा वाई रहेगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे है ये हो जाएगा वाई इंटू माइनस साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि y तो एजिट ही रहेगा, इंटू साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा का जब कितना 45 डिग्री। अब आगे यहाँ पे देखिए इस माइनस साइन को पहले लिखिए x इंटू कॉस 45, कॉस 45 बोलो कितना होता है 1/√2 होता है, ये देखिए प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये y इंटू साइन 45, साइन 45 बोलो कितना 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको पहले लिख लीजिए माइनस एक्स अपॉन में रूट अंडर टू माइनस ये वाई अपॉन में रूट अंडर टू इक्वल टू 3, ओके। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर टू ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एक्स ये माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 रूट अंडर टू, देखिए x वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसको हम क्या करते उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, ये 3 रूट अंडर टू ये माइनस एक्स इधर आएगा तो जाएगा प्लस एक्स, माइनस वाई को राइट में ले जाएंगे तो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए, पहले एक्स वाला टर्म लिखिए फिर वाई वाला टर्म लिखिए और फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 3 रूट अंडर टू इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन दोस्तों हमें मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस 3 रूट अंडर टू इक्वल टू 0। आई होप दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे देखिए फिफ्थ पार्ट, देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग दिया गया, पी इक्वल टू 2 दिया गया एंड अल्फा इक्वल टू 300 डिग्री दिया गया है, लेकिन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, तो एक्स कॉस अल्फा का जब कितना 300 डिग्री प्लस ये वाई साइन ये हो जाएगा 300 डिग्री इक्वल टू पी, पी का वैल्यू कितना है 2। अब आगे देखिए, देखिए कॉस 300 और साइन 300 का वैल्यू उन्होंने निकालना है, देखिए एक्स तो एज इट ही रहेगा, अब देखिए 300 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, देखिए यहाँ पे 300 का मतलब हो गया 300 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, देखिए 270 और 360 के बीच में ही क्या होगा 300 आएगा, 300 देखिए 300 हम लोग किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का दो रास्ता है, एक वर्टिकल लाइन के थ्रू हम लोग आएंगे ऐसे एंटर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आएंगे ऐसे एंटर करेंगे। देखिए 300 जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू यदि आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, तो देखिए इसका वैल्यू कितना 360 है, तो 360 में से हम लोग कुछ यदि माइनस करेंगे, देखिए 300 में से हम लोग क्या आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए एंटी क्लॉक वाइज आएंगे इस तरह से आएंगे, तो यहाँ पे देखिए कि 360 से तो नीचे आएगा 300, तो जैसे 360 में से कुछ यदि माइनस करेंगे तो हम लोग आएंगे किसमें आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसको एक्स कॉस 360 माइनस 60,
360 में 60 माइनस करेंगे तब 300 आएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा वाई साइन, ये हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना है 2 है। आगे देखिए एक्स, अब देखिए कॉस 360 माइनस थीटा, देखिए 360 में से जैसे हम लोग माइनस करेंगे कुछ तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा देखिए वाई पॉजिटिव रहेगा। और देखिए साइन 360 माइनस थीटा, 360 में से हम लोग माइनस करेंगे 60 डिग्री या 360 में से थीटा माइनस करेंगे, 360 में से कुछ भी नहीं माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, ये हो जाएगा इंटू माइनस साइन और यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए x इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस ये हो जाएगा y इंटू साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, पीछे आप माइनस एजिटी लिख दिए इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब आगे देखिए ये हो जाएगा एक्स अपॉन में 2, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा देखिए √3y अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका हम एलसीएम लेंगे ये 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा x माइनस √3y इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा x माइनस √3y इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 को लेफ्ट में ले आइए, x माइनस √3y इक्वल टू सॉरी प्लस 4 इधर आएगा तो हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया, क्या क्या लाइन का इक्वेशन हुआ, x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। आई होप दोस्तों इसका फिफ्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, देखिए इसका सिक्स पार्ट हम लोग ये दिया गया, p इक्वल टू 4 दिया गया, अल्फा इक्वल टू दिया गया 180 डिग्री दिया गया है, यहां लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा p हो जाएगा। अब यहां पे x cos अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो गया 180 डिग्री प्लस y sin 180 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को p, p का वैल्यू कितना है 4 है, ओके p का वैल्यू कितना है 4 है। अब देखिए x, अब देखिए cos 180 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, देखिए cos 180 का वैल्यू होता है याद रखिएगा cos 180 का वैल्यू होता है -1 ठीक है, और sin 180 का वैल्यू कितना होता है 0 याद रखिएगा ठीक है। अब यहाँ पे cos 180 जगह पर हो गया -1 प्लस y इंटू साइन 180 की जगह पर हो गया 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके आगे देखिए। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे x इंटू -1 हो जाएगा -x, ये तो 0 ही हो जाएगा इक्वल टू 4, x को पॉजिटिव रखिए इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0, सीधा करके लिख लीजिए x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन इज 2 यूनिट्स, क्या कह रहा है दोस्तों कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन कितना दिया गया है 2 यूनिट्स दिया गया है। तो देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, यहाँ समझिए जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ से कोई लाइन जा रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन का मतलब हो गया जैसे ये ओरिजिन है 0, 0, यहाँ से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो क्या होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू 2 दिया गया है, ओके। एंड क्या कह रहा है कि इंक्लाइनेशन ऑफ दिस टू परपेंडिकुलर इज अल्फा, क्या कह रहा है इंक्लाइनेशन क्या है अल्फा है, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको क्या होता है अल्फा बोलते हैं, सच दैट साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, साइन अल्फा का वैल्यू कितना दिया 1/3 दिया गया है और यहाँ पे अल्फा जो है एक्यूट एंगल है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा जब उन लोगों को देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पे अल्फा दिया गया है तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, एक्स कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा वाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है पी होता है,
ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को दिया गया है, एंड गिवन में हम लोग को दिया गया क्या, गिवन में साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग कितना दिया गया, 1/3 दिया गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन अल्फा का तो वैल्यू हम लोग को पता है, पी भी पता है, अब हम लोग किसका वैल्यू पता करना पड़ेगा, कॉस का वैल्यू पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉस का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग पास में दो प्रोसेस है, या तो हम लोग कॉस थीटा का डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे ये देखिए हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, या बाय ट्रायंगल से हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग कॉस अल्फा का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया, वहां से बेस निकाल के और बी बाय एच कर देंगे तो भी यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं इसका। देखिए हम लोग फॉर्मूला से यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट आप लोग पढ़े कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा थीटा जब क्या अल्फा है, ये रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ साइन अल्फा का यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, कॉस अल्फा इक्वल टू रूट अंडर 1 - देखिए साइन स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या होता है, साइन अल्फा का स्क्वायर, साइन अल्फा का वैल्यू 1/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू ये 1 - 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, सॉल्व कर लीजिए कैल्सियम ले लीजिए 9, ये हो जाएगा 9 - 1 यानी कि रूट अंडर 8/9। ओके आगे देखिए इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, तो कॉस अल्फा इक्वल टू देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए रूट में फ्रैक्शन में है तो हम जानते हैं कि रूट अंडर ए अपॉन बी को ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट अंडर बी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए रूट 8/ रूट अंडर 3। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 * 2 * 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 * 3, इसे रूट से बाहर करेंगे 3 हो जाएगा, और इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा। देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 2 √2/3 हो जाएगा। ओके क्योंकि यहां से देखिए ये तो पेयर आ गया, ये 2 हो गया, और ये तो सिंगल रूट में रहेगा, इसको रूट ही में रख दिए, और यहाँ पे रूट 9 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। कॉस अल्फा का वैल्यू पता है और साइन अल्फा का वैल्यू पता है, यहाँ से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं क्या, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, पी का वैल्यू हमको पता ही है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटू कॉस अल्फा, देखिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 भी लेट कर सकते हैं समझने के लिए। ओके अब यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, एक्स इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू है 2 √2/3 प्लस वाई इंटू साइन अल्फा का वैल्यू कितना है 1/3 दिया गया है, साइन अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया 1/3, देखिए यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 हम लोगों को दिया गया है। अब आगे देखिए इक्वल टू पी, पी का वैल्यू हम लोग कितना है, पी का वैल्यू है 2 है। ओके अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसको सिंपली लिख लीजिए 2 √2 और ये एक्स अपॉन में 3 प्लस ये जगह वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 2। अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 √2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 2 √2x प्लस ये y इक्वल टू 3 × 6 प्लस 6 को लेफ्ट में ले आइए, ये 2 √2x प्लस y प्लस 6 लेफ्ट में आता है -6 = 0। तो ये दोस्तों लाइन का इक्वेशन हो गया, क्या आंसर आया 2 √2x प्लस y -6 = 0। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्या कह रहा है, लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 3 यूनिट्स दिया गया, यानी कि पी का वैल्यू हमें कितना दिया, 3 यूनिट्स दिया गया, सच दैट टेन अल्फा इक्वल टू 5/12, टेन अल्फा का वैल्यू हमें 5/12 दिया गया, वेयर अल्फा जो एक्यूट एंगल है, व्हिच इज परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस आप जो है कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है। देखिए हम इस क्वेश्चन को सेम प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए P इक्वल टू कितना दिया गया, 3 यूनिट्स दिया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड टेन अल्फा इक्वल टू 5/12 दिया गया है। अब दोस्तों देखिए तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन
ऑफ लाइन क्या होता है बताइए, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और अल्फा दिया हुआ क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग को वैल्यू दिया गया टेन अल्फा का दिया गया है, लेकिन हम लोग को वैल्यू किसका पता होना चाहिए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे, ये मान लेते हैं सपोज ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एंगल मान लेते हैं सपोज ये अल्फा है, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे गिवन, लिखेंगे गिवन टेन अल्फा, टेन अल्फा का वैल्यू 5.12 दिया गया है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए अल्फा के ठीक सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 5, देखिए 90 सामने हो गया हाइपोटेनस, ये बेस हो गया 12। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस हम लोगों को दिया गया, हाइपोटेनस नहीं पता है, पर हम हाइपोटेनस निकालेंगे। देखिए देयरफॉर एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। आगे देखिए एच इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये रूट अंडर 169, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 13, ये हो जाएगा 13। अब हम लोगों को देखिए परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, अपनेस पता है, तो हम लोग को साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। वैल्यू रखिए, देखिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 5 अपॉन हाइपोटेनस 13, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12 अपॉन में 13। अब यहाँ पे इस दोनों का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे था एक्स कॉस अल्फा, एक्स इन टू कॉस अल्फा का वैल्यू है 12 अपॉन में 13 प्लस वाई साइन अल्फा, वाई इन टू 5 अपॉन में 13 इक्वल टू पी, पी कितना था, पी का वैल्यू हम लोगों को दिया गया था 3 दिया गया था। देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया, 3 दिया गया। अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 12 एक्स अपॉन में 13 प्लस 5 वाई अपॉन में 13 इक्वल टू 3, और यहाँ पे कैल्सियम ले लीजिए 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 एक्स प्लस 5y इक्वल टू 13, 3 39 को लेफ्ट में ले आइए, ये हो जाएगा हम लोगों को फाइनली 12x प्लस 5y माइनस 39 इक्वल टू 0। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया 12x प्लस 5y माइनस 13 इक्वल टू 0, 39 इक्वल टू 0। आई होप दोस्तों ये एक्सरसाइज आप लोगों को 20F पूरा समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।